बात तो सुने, बात तो सुने, बात तो सुने, बात तो सुने। अच्छा सर देखे। अरे बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या करवाना है? कुर्सी ना तोड़ दे आज। अच्छा, क्या करवाना है आप? बड़ा कुछ करवाना है। क्या मॉडर्न बाल कटवाने? बैठ बैठ बैठ, लाना दिन क्या करवाना है? जी क्या करवाना है? मॉडर्न कटिंग करवानी? मॉडर्न, ये मेरा मॉडर्न कटिंग करवानी है। अल्लामा साहब कराची से हुआ ऐसी कटिंग करवाते क्या? अल्लामा साहब, अरे आगे सर, मैं हाजिर। अल्लामा साहब, इन्होंने मॉडर्न कटिंग करवानी है, जरा इनकी मॉडर्न कटिंग कर दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो अपना वो बांधो ना, इनको वो लगाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं तारीफ करा लूँ? मैं तारीफ करवा देता हूँ, वो आपसे थोड़ा सा अंगेख्ता बरंदा है। लामा साहब, हमने ना कराची से लामा साहब को बुलाया मॉडर्न कटिंग करने के लिए। लामा साहब, मॉडर्न कटिंग करवानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? हाँ जी, करम अल्लाह। अल्लामा साहब, इन्होंने मॉडर्न कटिंग करवानी है। कौन सी कटिंग करानी है लामा साहब, बता दें। कराची से आए, मॉडलिंग कटिंग करवानी। अच्छा, ज़रा इसको जिस तरह आजकल अमेरिका में, इंग्लैंड में चल रहा है, इस तरह यूँ बिल्कुल यहाँ से कटिंग एज कट कर दें। हाफ कटिंग भी हो सकती है, और इसमें ख़त बना दें आपका, या इस तरह जो टर्किश स्टाइल है आपका है। मेरी बात तो सुने, अभी हमने आपको आधा बर्स कहा है, अस्सलाम वालेकुम कहा है। ज़रा ऊँचा बोलेंगे हम, ज़रा कान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? इसमें ग्रामिंग क्या है आपका? आप नाम को छोड़ें, बाल कट। मेरी बात सुने ना, देखिए ना, आपकी कटिंग करनी है ना, आप कहीं निकाह करवाने जाती हैं, कहीं दाखिला लेने जाती हैं, रजिस्ट्रेशन लेने जाती हैं, हैं तो कैसा आप अपना बताते हैं ना, नाम पता बताते हैं, तो जरा इनको वो लगाओ यार, भाई। वो भाई देना यार, इसको लगाओ। यासीन बेटा लगाओ, कपड़ा लगाओ बेटा। बहुत भाई आए हैं, प्यारे हैं बहुत। देखे मौजूद, देख पढ़ा लिखा इंसान, चुकंदर के मुंह वाला आ गया है। हम ना हंसते खेलते आपका करेंगे ना, इसमें नाराज़ नहीं होना है। जैसे हाँ, माँ माशाल्लाह, ये जगह है अच्छी, आपके काबिल है। आपका इसमें ग्रामी? मेरा इसमें ग्रामी। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम उस्मान। उस्मान, माशाल्लाह प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत। आपके अब्बा का नाम? मोहम्मद शफीक। अच्छा, आप शफीक साहब के बेटे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यार शफीक साहब तो बड़े लाजवाब आदमी, बहुत प्यारे हैं। क्या माशाल्लाह है जी, उसने तोरी जैसे मुंह वाला बच्चा शफीक भाई का। जैसे पुराना खीरा होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वैसे आपकी शक्ल जो है वो माशाल्लाह पुराने फ्रांसीसी होते हैं जैसे। प्यारे और खूबसूरत वो लोग, ऐसे जैसे वो नहीं होता एक बहुत ही बासी खीरा आया है, उसमें जब जोबन आता है तो बिल्कुल आपकी तरह फ्रेश लगता है माशाल्लाह। अच्छा, ये हम करते हैं बड़ा तेज़, अगर ये कैंची है ये देखें आपके लग जाए गले को, तो किसी को बुलाएंगे ना कि यार इसके गले नरखरा चीर गए, कैंची फाड़ के वहाँ निकल गई, कौन बंदा है बताओ, अस्पताल ले जाएंगे, तेरे घर वालों को बताएंगे नहीं। देखा मेरा अपना ऐसा है, जैसे इसको मैं बोलता हूँ कि क्या गुलेरी की तेरे मुंह है, अगर मैं आपको चप्पन कद्दू की तरह कह, अब नाराज नहीं हूँ। प्यारे हमारे कस्टमर हैं, आपकी बेइज्जती हम कर ही नहीं सकते। देखें अल्लाह के कामों में हमारा क्या दखल है, मेरी शक्ल बनाए आपकी बना, अल्लाह काम है। क्या अच्छा है मानी, खूबसूरत है ना बच्चों को हम इस तरह। अच्छा, किस तरह की कटिंग आप चाह रहे हैं? माशाल्लाह, कौन सी? वन साइड कटिंग। अच्छा, वन साइड, ओके। ये तो बहुत, आपको पता है कि अमेरिका पढ़ाते रहे हम, अल्लामा फौरन बगल बीवी पप्पियों वाले हम पढ़ाते। अच्छा यूँ करो, भाई को कपड़ा पहले बांधो। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। क्या नाम है? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार तो बहुत खूबसूरत नाम है। आपके अब्बा का नाम क्या है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, हुसैन, सुभान अल्लाह, ये और बहुत अच्छा नाम है। और आपके दादा का क्या नाम है? गुलाम, गुलाम रसूल साहब। यार ये सारे हमारे दोस्त हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो लाहौर में रहता। लाहौर में ही रहते हैं ना, हम भी लाहौर में। देखे बात सुने, क्या बात, तो नाम इसलिए पूछ रहे हैं भाई जान, आपने नाराज नहीं हो ना, हमारा काम बहुत मॉडर्न है। मुझे जल्दी है थोड़ी, आप कटिंग करें मेरी। नाम मेरा अनीस नाम है मेरा। अनीस नाम है ना, ये किसने रखा है? बहुत ही बुरा नाम है। नहीं बाबू, नहीं मकसद है, मजाक, इसको आदत है, ये आदत है। वो तोतले
جب ہم بول رہے ہیں بزرگ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کٹنگ آپ نے کرنی ہے، انہوں نے کرنی ہے، لیکن بات سنیں، پکڑنا اس لیے ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، اور کٹنگ میں نے کرنی ہے۔ ابھی ہو اس گرمے کے منہ والے کے ساتھ مذاق مت کرنا، اس کی وجہ سن، غصے والا منہ والا لگ رہا ہے، دیکھو مذاق بھی کرتے ہیں تو ہم ہنسی ہیں۔ اچھا میری بات سن، بھائی کے پاؤں باندھ پاؤں کی ملرن آیا تو میری بات تو سن، ایپرن کپڑا دو، ایپرن لگاؤ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ بھائی ذرا آواز نہ آئے، ہمارے مہمان ہیں بہت دور سے، شفیق صاحب کے بیٹے ہیں، وہ ادھر سے لے پکڑو، وہ ہمارے دوست ہیں پرانے، آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ ہاں تو بس یہ دیکھو نا، ہم خود ہم مل کے کرتے رہے یہ کام، ہم تو ماشاء اللہ، یہ لگاؤ، ہاں ہو گیا، ہاں تو عثمان بھائی کے پاؤں باندھو ذرا، پاؤں کو کیوں باندھنا ہے؟ میری بات سنیں، آپ آرام سے بیٹھیں، ایسے ٹک لگا کر، ہاں اچھا یوں ہے کہ ایسا کرو کہ توتلے سب سے پہلے بھائی کے پاؤں باندھو، ایک منٹ، میں نے کٹنگ کروانی ہے پاؤں کے اوپر، دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے کبھی کسی بکرے کی کٹنگ ہوتی دیکھی ہے؟ بکرا تھوڑی، چھترے کی کٹنگ ہوتی نہیں ہے نا، میں تو انسان ہوں نا، میں کٹنگ کروانی ہے، ٹانگے تھوڑی بندوانے ہیں، آپ کا خیال ہے، آپ کون ہیں؟ ہمارے لیے محترم انسان ہیں، اور نہیں کبھی پکڑ کٹنگ کرے، میں آپ کی میں دیکھیں ہمارے طریقے، آپ نے بہت خوبصورتی سے ٹانگیں رکھی ہیں، یار تو یہ مجھے دے نا، ماڈرن ماڈرن وال کٹوانے سب ہو جائے گا، ریزر دے بھائی کی ٹانگیں پکڑ، بات سنے نا، ٹانگے باندھ کے ماڈرن ماڈرن بال بال کاٹنے، آپ میں کوئی اتنے، میں بال کٹوانا ہے بھائی، نے بال کٹوانے، دیکھیں بات سنیں، ہمارے نام ہے علامہ فورن بغلگیر، میری بات سنیں، ہم کراچی سے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ماڈرن کٹنگ ایسی آپ کی کریں گے، میری بات سنیں، اچھا تیرے ہاتھ باندھ بھائی، آپ بیٹھیں آرام سے، ایک منٹ دیں گے، ساری سی بات، ہاں تو پھر ہمارے کسٹمر ہیں، مجھے یہ اچھا یوں کرو بھائی کے پہلے ہاتھ باندھو، ہاتھ پیچھے، ہاتھ پیچھے کریں، اچھا چلے بھائی بات سنیں، کچھ نہ، ایک منٹ ٹھہر جا، بات سنو، اچھا یوں کرو ہاتھ ایسے لائیں، وہ دوسرا ہاتھ یہ لو، یہ پیچھے سے اس کے ہاتھ پکڑ، باندھ اس کے ہاتھ، کٹنگ نہیں کروانی ہے، میری بات سن، نہیں ایک اچھا ٹھہر، پہلے رن نہیں آیا، میں کٹنگ کرانا ہے، کٹنگ آپ دے رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں نا، جب ہم کٹنگ کریں گے ہلیں گے، کام خراب ہو جائے، دیکھیں بات کر، چھوڑے پاؤں بھی رہنے دے، ہاتھ بھی رہنے، بھائی کے اخروٹ باندھ دیا، کیڑے اخروٹ ہے، کٹنگ کرا رہا ہے، غلط نہ آ گیا، لیکن میں ہوں نا، اب میری بات تو سنیں، میں دیکھیں، میں کہتا ہوں اب بے فکر ہو جائیں، پریشان مت ہو، آپ کے بال ایسے کٹیں گے، اچھا یوں کر بھائی کے پہلے باندھ پاؤں، پھر باندھ ہاتھ، اور اس کے بعد اخروٹ باندھ، ادھر چپ کر، ٹھیک ہے، ہاٹ چھوڑ دو، ابھی آ جاؤ، اچھا ادھر، اے میری چپ کرے، خاموش رہے، ایسا کرو، کیوں کسٹمر کو تنگ کرتے ہو، بات تمیز انسان، اگر وہ نہیں چاہتے کہ ٹانگیں باندھے کیوں باندھے، اگر وہ نہیں چاہتے کہ ہاتھ باندھے، ہمارے میں اتنا فن ہے کہ ہاتھ اور پاؤں باندھے بغیر صرف اخروٹ باندھ کے بھائی کی کٹنگ کر دوں، میں اخروٹ باندھ، بھائی کے اخروٹ باندھ، یہ کیا بات، ایک منٹ ٹھہرے، میری بات سنیں، کہاں سے لو آپ لوگ، میں بتاتا ہوں، کیا بتاتے ہیں، آپ کے اخروٹ باندھیں گے آپ کے بال سیدھے ہو جائیں گے، اس سے کاٹنا آسان ہے، اتنی سی ٹیکنیک ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے ماڈرن، اب ایک منٹ جو بیٹھ جائیں، بیٹھے میں بتا، بیٹھے یہاں، اچھا بات سنیں، بدتمیزی کی بات نہیں ہے، یہ عین نستعلیق طریقے سے اتنے خوبصورت آپ کے بال کاٹیں گے، ابھی یہ کیسے لگ رہا ہے بھلا، جیسے وہ ٹٹو دھوڑ میں پھر پھر کے ایسے حالات ہو گئے بالوں کے، یہ بال ہیں آپ کے، کس طرح کہاں سے کٹنگ کروائی آپ نے، ناراض کیوں ہوتے ہیں بھائی، ٹھنڈا بلاؤ یار، چھوٹے ٹھنڈا لے کے آ، برف میں، ہاں انگارے ڈال کے، برف کو کہہ رہے ہیں بھائی، ہاں جوس منگا، اچھی طرح ابالنا، چینی بھی ابالنا، چینی ڈال دینا بھائی، بہت کڑوے ہیں، ہاں مولی والی چینی ڈال، ہاں یہ اس کو نکالنا یہاں سے، ہاتھ پیچھے، چپ، میں نے نہیں کروانا، ایک منٹ ہے، میری بات تو سنو یار، کیا ہو گیا ہے، رسی لے کے آؤ، پاؤں بھی باندھو بھائی، اچھا سن، تو کچھ نہیں ہوتا، اچھا ایک منٹ بیٹھ، اچھا میری بات سنیں، آپ نے کٹنگ کروانی ہے، کتنے پیسے دیے آپ نے، 500 روپے دیے، ہم نے حلال کرنے حرام کرنے،
तो इस भाई के अखरोट बांध। अच्छा सुनो मेरी, अच्छा मेरी बात तो सुनो अभी, एक मिनट मेरी बात, क्यों आ रहे हैं यार आप? कटिंग करवानी है, कटिंग इतनी बड़ी, ऐसे कौन कटिंग? अच्छा मेरी, मैं आपको बताता हूँ कौन, ये कहाँ से पागल जा रही है? मेरी बात तो सुनो भाई, के अखरोट मार मेरे। बाल पहले इतने फजूल बाल कहाँ से कटवाए आपने? ये किसी यहीं पे नहीं आए, ये किसी बकरे का वो नहीं है कुर्बानी के बाल, वो छत्रों के काटने वाले, ये वो इस तरह कर दिया, ये देखिए अखरोट बांधू, अखरोट बांध भाई बांध रहे हैं, कटिंग करवानी है ना? नहीं करवानी, करवानी है किसी आए कि हम यहाँ पे नौकर हैं आपके, सुबह से खड़े हुए आपकी खिदमत के, खड़े हो मेरी बात सुने। देखिए आप जब नाराज होते हैं ना, एक प्यारे मोहब्बत वाले तरबूज लगते हैं। नहीं मेरे आपने क्या कर रहे हैं? आपके बाल काटते हैं बहुत, नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ, भाई को छोड़ दे, ये तो कपड़ा लगा रहने दे, भाई के कपड़े के नीचे से इसके भाई के अखरोट बांध, अखरोट बांध भाई के अखरोट, भाई के अखरोट, अखरोट बांध भाई के, मेरी बात तो सुनिए आप, देखें बात सुनिए, अखरोट का बांधने वाली, अबे ओ देसी गर्मे के मुंह वाले जो मैं कह रहा हूँ वो कर ली, उनके बाल नहीं कटवाने, अखरोट बांधेंगे तो बाल खड़े होंगे ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मॉडर्न मॉडर्न नए तरीके आ गए, मेरी बात क्या बात आ गए, मेरी बात क्या बात, मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो, भाई के अखरोट बांध भाई के, भाई इसका यूं करो, इसके पहले बांधो पाँव, फिर पीछे हाथ बांध के इसके अखरोट बांधो। अच्छा मेरी बात सुनिए, एकदम एक मिनट बैठ गए, मेरी मेरी बात सुनिए, इसके मैं कटिंग कराना है, कोई खतरा नहीं, ये देखो मेरी बात सुनिए, इसके अखरोट बांधो, ओए यार की हो गया, की हो गया, इसके अखरोट निकालो ना पहले, देख एक मिनट ठहरो यार, अखरोट भाई मैं, मेरी बात सुनिए ना, अच्छा बैठ जाए, अच्छा मेरी बात तो सुनिए, बैठे तो आप जरा आराम से बैठे, अखरोट बांध क्या उससे होगा, ये मैं आपको बताता हूँ, आपकी देखिए नाफ के नीचे कुछ इस तरह की उजलात होती हैं इंसान के, जिनको अगर सलीके से बांध दे बाल सीधे हो जाती है, ऐसे क्रक, समय नहीं आ रही, साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की बुनियादों पे हेयर ड्रेसिंग होती है यहाँ पे, ये आपने क्या समझ लिया, उठाई गिर हम, ये ऐसी दुकान है और हम ऐसे आ गए, अमेरिका में पढ़ा के आए हूँ हेयर ड्रेसिंग क्या होती है और क्या होगा, कैसे मॉडर्न कटिंग है मेरे बच्चा, ऐसी है, चुप अब आराम से, अखरोट बांध, अखरोट देख मेरी बात सुन, देख देख भाई मेरी बात सुन, देख अब ये साइंस है, बालों का तल्लुक इंसान के नर्व के साथ होता है, उजलात के साथ, तेरे अखरोट बांधेंगे ना बाल यूँ ऐसे सीधे हो जाएंगे, और जब बाल सीधे हो जाएंगे यूँ साइड कटिंग करवानी है ना, देख एक मिनट में साइड कटिंग, ऐसी आला अफ्रीका अमेरिका में ऐसी मिसाल नहीं होगी कटिंग, तो गुस्से में कान में बात बता, अच्छा नया तरीका ये आ गया भाई का ना, यूँ कर, ये बहुत गुस्से वाला है, तूने तू पागल इंसान, उसको पता ना चलने दे चालाकी से उसके अखरोट बांध, बंद करें आंखें क्यों बंद कर रही है, आपने कटिंग करनी है या क्या करना है, कटिंग करवानी है आपकी, कटिंग होगी, कटिंग होगी, कटिंग क्या होगी, मैं आपसे कटिंग करवाने, आप अच्छा बात सुन, अब बात सुन, अब अच्छा मेरी बात सुने, ये नाराज हो गया, अब चुप कर भाई, मैं देखो होता है अखरोट, देख बात कुछ भी नहीं बांधते, छोड़ दी, देखिए मैं अल्लामा, अल्लामा हमारा अल्लामा फौरन बगल गिर हुए हमारा नाम है, तो मेरी बात सुने ना, देखिए इधर तो आए यार, बात सुने, जोर आजमाई, एक बूढ़े आदमी के साथ क्यों आप कर रहे हैं, नर्ज के साथ, ये बालों का तल्लुक इंसान के हिस्सा तो नर्व के साथ होता है, नर्व ठहर तू उधर पीछे, अखरोट बांध भाई के, बांधने नहीं दे रहा, झट लोग तुझे मॉडल समझ के तेरे फोटो खींचेंगे, अखरोट तो फिर बांध नहीं भाई, अखरोट बांध भाई के, किसी भी तरह अखरोट बांध, अखरोट बांध, अखरोट बांध, बांध इसके अखरोट बांधने हैं, अखरोट लालू खेत में ऐसी ऐसी कटिंग की, अखरोट बांध के अल्लामा ने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कटिंग करवाने आए हैं, अपने खत्मे करवाने आए हैं, नहीं खत्मे का इसमें क्या है, देखे आपको, देखे अखरोट बांधने से आपके, अब सुने साइंस, देखे जब अखरोट बांधेंगे ना हम, आपके बाल यूं सीधे हो जाएंगे, उसको ऐसे कटना और उसके रंगो रोहन ऐसे, उसमें पागल तो नहीं हो गए, ऐसी डिजाइनिंग होगी मेरी बात, यार कौन है मालिक, कौन है यार मालिक, बता तो अखरोट निकाल ना, अखरोट निकाल, अखरोट निकाल, अखरोट यार ये देख
आप समझ रहे हैं मजाक है मेरी बात सुनो। अब ये आप इस तरह यार देखे हाथ इसको पकड़ ले जोर से पकड़ने अपने पाँव जमाए जोर से भाई के अखरोट बांध नहीं आया पाने कटिंग कटा रहा है ताड़े आते आते जाते चलो अखरोट बांध भाई के अखरोट बांध बांध देखो अखरोट अखरोट आप बांध भाई के अखरोट बांध यार जोर लेके जाने जोर न अखरोट बांध अखरोट अखरोट अखबांध तो यार ये क्या कर रहे हो आप ऐसी मॉडर्न कटर में हमने नहीं करवानी ऐसी तो क्या कर रहे हो आप ये अखरोट क्या भाई ये नए दौर के बाल काटते हैं लामा साहब दिखा अखरोट दिखा भाई अखरोट बांध इसके निकाल पहले निकाल तो सही निकाल निकाल अखरोट इसको दिखा भाई को हाँ ये देख अखरोट तेरे बांधेंगे इधर नाफ के नीचे जेरे नाफ अखरोट जेरे नाफ कहते हैं जैसे आतिश जदगी मुँह जेरे नाफ सुना के नहीं अखरोट बांधेंगे देखे यहाँ पे आदमी की नसें ऐसी होती हैं नसें मालिक कौन है यहाँ का अल्लाह मालिक है हाँ दुकान का कौन मालिक है दुकान का मालिक अल्लाह मालिक है कमीज की क्या बात है देखे बात सुने अखरोट बात तो सुने बात सुने बात तो सुने बात बात तो सुने अच्छा सर देखिए मैंने भी आके वो ये देख अंधे ये तेरे अखरोट बांधेंगे ना नाफ के नीचे तेरे बाल ऐसे दूसरी जो जाएंगे नया तरीका नया तरीका आ जा बैठ अच्छा मेरी बात सुन बात सुन बैठ यार पागल नहीं हुआ एक दफा पर जमा के देखे मजा ना आया मैंने मारी हो मैंने उनको देख लिया यार अभी तो कुछ नहीं हो अबे वो आपको ड्रेसर लग रही है तो मैं निकाह खा लूं कौन हूँ मैं नए ड्रेसर मैसेज कौन से मालूम है मैं आपको ऐसा लगता हूँ भाई क्या सो ऐसे बांधेंगे ना ऐसे करके यार क्या आपने करोड़ क्या क्या करोड़ कर यहाँ पे ऐसे बांधेंगे आपको पता करोड़ क्या आता है ये करोड़ की बांध रहे आप मुझे मैंने नहीं करवानी भाई यार अलामा साहब और भाई छोड़ो और यार देखो वो क्या पकड़ा हुआ उन्होंने अखरोट अखरोट है हलाल चीज पकड़ी हुई क्या है खाओ मेरे अखरोट निकालो भाई अच्छा मेरी बात सुने ये आप ही क्या अच्छा एक बात सुन अच्छा अभी बात सुन अभी इधर आए हमारे साथ ये भाई इधर आना होना ऑर्डर के थे मेरी बात सुने मेरे भाई यार मजाक किया है मेरे यार बात नहीं मन ना मजाक ना मेरे केड़ा मजाक किता है इधर नाराज ना हो यहाँ पे खड़ा हो जा और वो देख कैमरा लगा हुआ है ना ये कैमरा लाहौर टीवी का जी हम कर रहे थे प्रैंक प्रैंक समझते हैं ना जो आज कल ये हमने कटिंग नहीं करनी है प्रैंक कर रहे हैं आपको हंसाने के लिए लोगों को हंसाने अभी जरा पप्पी दे मुझे ये बात है हमारा नाम है अल्लामा फौरन बगल गिरी पप्पियों वाले इधर अच्छा मेरी बात सुने और नहीं बात तो सुने पप्पी ले अच्छा मेरे ये लाहौर टीवी का प्रैंक है अल्लामा का ये अखरोट ये हैं ये आपके ही है जो बांधने के बाद वो मजाक करने शुगल है वो कैमरा लगा हुआ है देखे मैं वो कैमरा ना उसको ऐसे कर दे कहते लाहौर टीवी को सब्सक्राइब कर दे लाहौर टीवी को सब्सक्राइब कर दे नाराज नहीं ये लाहौर टीवी का प्रैंक प्रोग्राम है आप तो इतने प्यारी हैं आप नाराज हो रहे हैं हमसे हमने आपके साथ प्रैंक किया तो मॉडर्न चीज है भाई मैं यार बाल कटवाने आप नहीं नहीं वो क्या आ जाओ मजाक पप्पी वो देखे वो हमारे छुपाए हुए छोटा सा कैमरा आप पप्पी ऐसे ऐसे कर दे के लाहौर टीवी को सब्सक्राइब करें ऐसे तो कर दे नाराज नहीं ऐसे कर दे बात कह दे लाहौर टीवी को सब्सक्राइब ये बहुत अच्छा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें इस तरह लाइक नहीं कह दे लाहौर टीवी को सब्सक्राइब करें लाहौर टीवी को जो कह रहे हैं वो करते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत शुक्रिया आप बहुत मीठी ऐसी प्यारी बहुत शुक्रिया इधर से कह के सबसे पप्पी तो ऐसी थी ठीक थी मजा आ गया पप्पी का तो For the advertisement of your brand, company or business, contact us through our Facebook page.